इनफैक्ट वो कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े स्टूडियोज के नाम ले रहे हैं, यशराज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। मैं उनसे एक ये बात पूछना चाहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैंने इन वीडियोज के थ्रू आपके साथ कई मैटर्स पे बात की है और आज मैं बात करना चाहती हूँ फिल्म्स को लेके। महामारी में बहुत सारे बिजनेसेस बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हुए हैं, जिनमें से सिनेमा का जो बिजनेस है, थिएटर बिजनेस, बहुत बुरी तरह से ठप हुआ है। लेकिन वहीं कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। हमारी फिल्म धलाईवी, जो आज तक फिल्म हिस्ट्री में एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म, सबसे बड़े बजट की फिल्म है, जो 90 करोड़ की लागत से बनाई गई है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं श्री विष्णु इंदुरी जी, शैलेश सिंह जी, उन्होंने ये एक डिसाइसिव डिसीजन लिया कि जिन थिएटर्स ने, वी आर थिएटर मेड पीपल, जिन थिएटर्स ने हमें बनाया है, जो लाखों का घर बार चलाते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है। उन्होंने बहुत सारे डिजिटल एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के ऑफर्स जो है वो भी ठुकराए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमें थिएटर्स का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा इस चीज़ पे। तो हिंदी में जो है हमारी फिल्म की लागत वसूल करने के लिए, जो कि हमने की है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं अभी कंटेंट मेकर्स के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। लेकिन 2 वीक्स का विंडो मिला है हमें, जो कि थिएटर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। थिएटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिनिमम 4 वीक्स का विंडो होना चाहिए। हिंदी में तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास कोई तो बहाना है, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमारी फिल्म 3 लैंग्वेजेस में बनी है, हमने 4 वीक्स का विंडो रखा है, लेकिन वहाँ भी हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्सेस रिलीज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े स्टूडियोज के नाम ले रहे हैं, यशराज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। मैं उनसे एक ये बात पूछना चाहती हूँ कि आज वो कुछ एक दो स्टूडियोज के बहकावे में आके इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को खत्म कर रहे हैं, कल को अगर वही थिएटर्स में लोगों का नहीं आने से शोज कैंसिल करते हैं, तो क्या फिर भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई होंगे? क्या ये जो स्टूडियोज हैं उनको बॉयकॉट नहीं करेंगे? तो आई थिंक गैंगिज्म और ग्रुपिज्म से निकल के जो थिएटर मल्टीप्लेक्सेस के ओनर्स हैं, उनको मल्टीप्लेक्सेस में लोगों को लाने की बात सोचनी चाहिए। और आई थिंक मुझे आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, अगर मल्टीप्लेक्सेस नहीं रिलीज करते हैं, प्लीज़ वॉच इट इन सिंगल स्क्रीन्स एंड ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।